सोएब दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत ही 2 दिन के हेक्टिक शूट के बाद मेरी बारी। जो नोवा का सॉन्ग आने वाला है उसका BTS में शूट कर रहा था, तो वो मैंने व्लॉग नहीं किया। मतलब वही बहुत वो उसका पूरा व्लॉग BTS बना रहा था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री टाइप उसके चैनल पे आएगा, तो वो देख लेना। और अभी हम जा रहे हैं ज़रा देखने, एक बार मैं मैकफ्रिक्स जाके देखूंगा कि वहाँ पे जाके अच्छा लैपटॉप मेरे को मिल जाता है तो मैं ले लूँगा, और अगर वहाँ पे मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं मिल रहा है तो फिर मैं एप्पल स्टोर जाके ले लूँगा। चलो ब्रो, इट्स टाइम फॉर न्यू मैकबुक। ये मैंने अप्रैल में बोला था, लास्ट ब्लॉग अगर तुमने चेक देखे रहोगे मैंने अप्रैल बोला था, बट ज़रूरत अभी है। एक माइक हम लोग ने पैक्सटन से लिए थे। पैक्सटन एक जगह है जहाँ से ऐसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, तो ये माइक देने के लिए मैं रुका हूँ। फिर ये दे के अपन सीधा निकलेंगे विक्रोली मैकफ्रिक्स और वहाँ पे चेकआउट करेंगे। आई होप अल्लाह करे वहाँ पे मिल जाए ताकि मेरे पैसे बच जाए, तो क्या है भाई थोड़ा सा कम होगा वरना फिर। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी डील लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे सही डील हो और मस्त लॉक हो जाए। लेट्स सी, अभी देखते हैं। भाई दोस्त भाई को भेजा हूँ मैंने, क्योंकि भाई दोस्त भाई पहले से मैकबुक यूज़ करते हैं तो वो उनको थोड़ी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, तो मतलब सब चीज़ों टेक्निकली चीज़ों को लेके, तो उनको भेजा हूँ, अभी देखते हैं। चलो भाई साहब, सब कुछ डन डना डन डन हो चुका है, हमारा मैकबुक रेडी। दोस्तों अभी मैकबुक आ गया, फिर भी लोग इज्जत नहीं दे रहे। जब इज्जती है स्टेशन स्टेशन सड़ी का शूट हो चुका है। ओके ठीक है, बढ़िया। चलो क्रेजी आइए। इंतजार था। मुबारक मुबारक कितना यूज हुआ है? सिर्फ 31 बार ही यूज हुआ है, मतलब ये इन्वेंटरी पीस है। वो वहाँ पे वो पूरा ये वो चलाता है पूरा सेकंड हैंड का वो। और ये वाला जो पीस है, ये जो मिला है मेरे को, अगर ये नया लेने जाते तो 1.5 लाख का मिलता है, 1,50,000। और ये 2020 का ही है, तो एक क्रेडिट कार्ड से कर सकता था ना कितना वो। और वो बैंक वैंक का बहुत किट होता है। ये जोया को देगा, जोया को क्या मतलब, यूज करो ना, घर में ही रहेगा अभी तो। कहा सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है पता है इसके अंदर? ये देखो, ये है इतना, ये है इतना। इसको कहीं पे भी निकाल के आराम से काम कर सकते हैं इसके साथ, बट इसके साथ नहीं कर सकते। इसकी बैटरी लाइफ बहुत लंबी चलती है, इसको बिना चार्जर के भी कर सकते हैं। बस संभाल कर चला, और इसका बोलते ना फटे तक पैसा वसूल कर, फटे तक इसका तो इसका पैसा वसूल कर। मस्त खाना खा के हो गया भाई साहब। 2 मिनट रुक जाइए दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। बस एक बार मैं सब कुछ सेटअप कर लूं, सब सामान वामान निकाल के सब कुछ कर लूं। भाई यार, मैंने मैकबुक लिया, मेरे को वीडियो बनाने का, मेरे को तुम लोग को दिखा रहा है वीडियो, और मेरे को बट एक चीज है कि डेटा भी ट्रांसफर कर रहा है, तो मैं डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, तो भाई मतलब क्या करूँ अभी, दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मतलब, बट जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे, मैं वीडियो तो फटाफट दो मतलब से 10-15 मिनट में फटाफट बना लूँगा, वो डेटा ट्रांसफ़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब सब देता हूँ थोड़ा, तुम लोग को भी थोड़ा दिखाता हूँ मैकबुक मेरा, मतलब भाई पहली बार लिए अपने दम पे लिए तुम। सोएब दोस्तों, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। बट मैं कल रात में दिखाने वाला था, बट रात में मैं इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि भाई थक गया था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था। और देखो लिटरली ये चीज़ ये खूबसूरत ब्यूटीफुल अमेजिंग चीज़ मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरा काम फास्ट हो जाए। मेरा जो पुराना लैपटॉप था वो थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे स्लो हो गया, क्योंकि देखो सीन, देखो मैं बताता हूँ कैसा है। अभी मेरे को होता है काम बहुत सारा,
मेरे को होता है मैं मल्टीपल चीजों पे काम करता हूँ, तो मेरे को होता है कि भाई अगर एक काम खत्म हो रहा तो मैं दूसरा, वही थी कि मेरा काम कैसा होता है कि अगर मैंने कोई एक काम खत्म किया तो मेरे को फटाक से दूसरे काम पे जंप करना होता है, तीसरे काम पे जंप करना होता है, एक शूट खत्म किया तो दूसरे एडिट पे बैठना होता है। तो मेरा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई मेरा काम फटाफट हो, मतलब एक दिन में मैं ऐसे 4-5 एडिट्स निपटाऊँ, अलग अलग टाइप के 4-5 शूट्स निपटाऊँ, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज नहीं होती है ना भाई, तो मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। तो मेरा पुराना लैपटॉप उसी चीज में बहुत लैग कर रहा था, क्योंकि साला वो लोड में इतना टाइम लेता है, अपलोड में इतना टाइम लेता है, उसका वाईफाई अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो भाई इट वॉज लाइक लिटरली हाई टाइम। मैंने बोला था कि अप्रैल में कुछ खास चीज आने वाली है, वो खास चीज यही थी, बट भाई इतना हाई टाइम था कि मतलब मैं बोला अभी ले लेते हैं, पापा से थोड़े पैसे उधार लेने पड़े, बट मैं उनको मतलब ऑफकोर्स मेरे को ये मेरे पूरे पैसे से ले रहा है, ये मेरा जो होता है ना भाई कि मेरा लैपटॉप है, मेरा ये जो फोन है ये मेरा है, तो ये मेरी चीज है, तो वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन। सस्ते में भी मिल गया ये मैकफ्रिक से और एकदम सही भाव में मिल गया। अभी ये मत सोचना कि ये क्रैक आ गया इसके ऊपर, एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने कवर लिया और अभी मैं सुबह में उठा और मैं मेरा चश्मा उठाने के लिए गया और ये कवर के ऊपर मैंने पैर रख दिया। बढ़िया दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस दे देता हूँ इसकी। ये है मैकबुक प्रो M1 512 GB और 512 GB और 8 GB रैम, तो काफ़ी बढ़िया पीस है, 2020 का पीस है, काफ़ी बढ़िया रेट में भी मिल गया मेरे को, तो काफ़ी बढ़िया पीस मिल गया मेरे को, देख सकते हो आप लोग। और लेट्स सी, अभी एक्सपीरियंस देखते हैं, अभी तो मैं यूज टू नहीं हूँ मैकबुक के, अभी तो मैं थोड़ा और यूज टू हो रहा हूँ। मैं पारितोष भाई और बाकी सब लोग को देख के थोड़ा थोड़ा देखता था कि कैसे वो लोग करते हैं, बट अभी मेरे को इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। एप्पल बेबी एप्पल, अभी हम जा सकते हैं कॉफी शॉप में, जरा स्टारबक्स में। तो हाँ दोस्तों, यही चीज़ है, इस वजह से ही मेरे को मैकबुक, मेरे को एप्पल लेना था, ताकि मेरा काम फास्ट हो जाए, ताकि हर चीज़ में फटाफट चीज़ें हो, स्लो चीज़ें ना हो। देखो मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि देखो यार, ओवरऑल चीज़ है ना, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप कोई भी कोर्स करते हो, आप कोई भी कॉलेज में जाते हो, आप 20,000 रुपये भर रहे हो, 40,000 रुपये भर रहे हो, 50,000 रुपये भर रहे हो, बट भाई सिंपल सी एक चीज़ समझो कि अगर आप 20,000 रुपये भर रहे हो, आप 80,000 रुपये भर रहे हो, आप 1,00,000 रुपये भर रहे हो, तो आप उससे 10,00,000 रुपये कमा सकते हो, आप उससे 20,000 रुपये भर के आप उससे 2,00,000 रुपये कमा सकते हो, आप उसको रिटर्न ला सकते हो क्या? आप वो नहीं कर सकते तो मत करो भाई। अपना एजुकेशन सिस्टम इतना फकड अप है ना, मतलब सब कुछ सिखा देते, स्किल सिखा देते, क्या सिखा देते, सब कुछ सिखा देते, बट वो बताते ही नहीं कि भाई अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो अपने दम पे आपको कैसे कुछ करना है, अपने दम पे आपको कैसे पैसे कमाने, आपको कैसे क्लाइंट से डील करना है, सब कुछ सिखाते ही नहीं है। देखो यार, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि यार भाई अपन 18 साल के, मतलब अपने को अगर इतनी अक्कल आ गई है ना कि अपन आइटम पटा सकते हैं, देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, तो अपने को इतनी भी अक्कल आनी चाहिए कि अपन पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसलिए मेरा है ये मेरी चीज है, इसलिए मैं इतने इतना एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि ये रूम मेरा है, समझ रहे हो, ये कपड़े मेरे, ये सब चीजें जो तुम लोग मेरे अराउंड देख रहे हो ये मेरी है, एंड इट मतलब वो चीज़ बहुत मैटर करती है, वो चीज़ आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देती है कि भाई ये मेरी चीज़ है, मतलब मैंने जो भी चीज़ें, जो भी प्रिविलेज मेरे को मिले उसका फ़ायदा उठा के उसकी चीज़ें मतलब वो इस्तेमाल करके सही तरीके से। देखो अगर आपके पास पैसा है ना तो आप वो पैसे को इस्तेमाल करके, अगर आपके बाप के पास पैसा है, आपके पापा के पास पैसा है, तो आप वो पैसे को इस्तेमाल करके अपना पैसा बनाओ और फिर उनको उनका पैसा वापस दो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो जो लोग करते हैं ना, वो लोग मेरे को बहुत सही फैसिनेट करते हैं। बाकी जो लोग बस अपने मतलब है ना, अपने पैसे पे ही मजे मार रहे हैं, आपके पैसे पे और बस चिल कर रहे हैं, तो वो लोग मेरे को नल्ले बेरोजगार लोग लगते हैं लिटरली, समझ रहे हो। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आपके पास जो भी है ना, जो भी है भाई, उसको फाड़ करके लगा दो और बस देखो फिर बनेगी, मस्त से मस्त चीज बनेगी, आपके जितना कम है जो है लगाओ। तो बस दोस्तों, यही कहानी थी, यही मैं बताना चाहता था आपको, मेरी खूबसूरत मैकबुक की कहानी। आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने मजा आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, ये साल तक 1,000 सब्सक्राइबर्स कर दे, ताकि मैं भी थोड़ा ऐसे यूट्यूब मनी से कुछ खरीद पाऊँ। और मैं वैसे, मेरा वो दिल से बड़ी तमन्ना है, मेरे को पता है वो तमन्ना एक दिन पूरी होगी, तमन्ना के साथ भी कोलैब करेंगे।
गंदे जो मारता हुआ है। तो वही है दिली तमन्ना है कि एक दिन यूट्यूब का पैसा आया और मैं यूट्यूब से कोई चीज खरीदूं और फिर मैं बोलूं थैंक यू गाइस, ये आपके बिना नहीं हो सकता था, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छे हो, तो ऐसे मैं आप लोगों को बोल सकूं और फिर आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, ओ माय गॉड हम लोग भी कितने अच्छे लोग, हम लोग ने इसको सब्सक्राइब किया ये वो। सो दैट इज इट फॉर द व्लॉग, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर देना। तब तक आई विल सी यू, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।